हाय एवरीवन, स्वागत है आज किस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा सैमसंग का कोई सा भी कीपैड फोन है, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कोई सा भी सैमसंग का बटन वाला मोबाइल है, और जो है आप उसमें किसी का नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं, और जो है आपको ब्लॉक करना भी नहीं आता है, या जो है किसी का नंबर गलती से ब्लॉक हो गया और आप जो है उसको ब्लॉक में से निकालना चाहते हैं, तो आपको जो है ब्लॉक लिस्ट में से निकालना भी नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी का भी नंबर कैसे ब्लॉक लिस्ट में डालिएगा, या जो है किसी का भी नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया तो उसको जो है निकालिएगा कैसे। तो बने रही वीडियो में। मेरा नाम हुआ अरमान राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल अरमान राज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं अपने मतलब स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखिए जो है सैमसंग का मोबाइल ले लिया है, और जो कि यहाँ पे हम अपने जो है कॉल में आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक नंबर शो कर रहा है, ठीक है, जो कि राज नाम से सेव है। इस नंबर को जो है पहले हम ब्लॉक करके दिखाएंगे, जो आपको जो है किसी का नंबर ब्लॉक करना है तो कैसे ब्लॉक कीजिएगा। तो ब्लॉक करने के लिए आपको जो है सिंपल नंबर पर आ जाना है। नंबर पर आने के बाद देखिए ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो नीचे ऐसे आना है, और नीचे जब आइएगा तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर में लिख रहा है एड टू रिजेक्ट लिस्ट। ध्यान से देखिए यहाँ पे एड टू रिजेक्ट लिस्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, सॉरी यहाँ पे एड टू रिजेक्ट लिस्ट में आना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है एडेड, यानी कि हमारा जो है नंबर ब्लॉक करना है किसी का नंबर, तो ऐसे जो है आसानी से आप जो है अपना मतलब किसी का भी नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। और रहा बात जैसे ब्लॉक कर दिए हैं, अब जो है इसको निकालना है ब्लॉक लिस्ट में से, जैसे मान लीजिए जैसे ब्लॉक कर दिया लेकिन मतलब रहा से अब निकालेंगे इसको कैसे, तो आपको जो है यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे कोई सा भी सेटिंग यहाँ पे निकालने का आपको देख सकते हैं कोई सा भी सेटिंग नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेनू पे क्लिक करना है। मेनू पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेटिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेटिंग पे आपको आ जाना है। आप में जहां भी होगा सेटिंग में आ जाइएगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आना है आपको, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है एप्लीकेशंस का एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशंस पे आ जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे पहले नंबर में जो कॉल आया है उसी पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर 3 ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे जो है पहले नंबर में ऑल कॉल्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑल कॉल्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर में लिख रहा है ऑटो रिजेक्ट, जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ऑटो रिजेक्ट पे आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो नंबर उसमें जो है ब्लॉक किए थे वो नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, तो जो भी नंबर हम ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पे ऑटो रिजेक्ट में वो आ जाता है, ठीक है। तो इसको जो है ब्लॉक लिस्ट में से निकालना है तो देखिए यहाँ पे एक टिक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे टिक पे नंबर पे आ जाना और ओके वाला बटन, यहाँ पे जब पिछला बटन आप क्लिक कीजिएगा तो ये टिक हट जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे टिक है तो अभी जैसे क्लिक कीजिएगा तो टिक हट जाएगा। उसके बाद टिक हट जाएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला बटन क्लिक कीजिएगा ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप सेव कर दीजिएगा तो जो है नंबर फिर ऑटो रिजेक्ट में आएगा, तो देखिए यहाँ टिक हट गया है, तो जो है मतलब किसी का नंबर जो है ब्लॉक किए थे वो ब्लॉक में से फाइनली निकल गया है। और यहाँ से आप आकर यहाँ से ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, करना होगा तो, नहीं तो ऐसे भी डिलीट नहीं भी कीजिएगा तो ब्लॉक में से जैसे नंबर निकल गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।